बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की संस्कृत की पुस्तक। और यह जो पुस्तक है आपकी पिछले वर्ष की जो पुस्तक थी उसके चेंज हो गई है बच्चों। यह नई पुस्तक आई है आपकी संस्कृत की, शेमुशी नाम की। शेमुशी प्रथमो भाग नवम कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। ठीक है, तो संस्कृत की नई पुस्तक आई है बच्चों। आपका कोर्स से चेंज हो गया संस्कृत का भी, तो इसका पहला पाठ जो अब हम पढ़ेंगे बच्चों, प्रथम पाठ भारती वसंत गीति है। भारती वसंत गीति है, तो शुरू करते हैं बच्चों। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवये पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रह संकलितो अस्ति। तो यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली इस संग्रह से संकलित है ना। काकली नाम का इनका एक गीत संग्रह था, उससे यह पाठ संकलित किया गया है। प्रकृते है सौंदर्यम अवलोक्य एव सरस्वत्यः वीणायाः मधुर झंकृतयः प्रभवितुं शक्यते इति भावना पुरस्सरं कविः प्रकृते सौंदर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादयनाय सम्प्रार्थयते। तो यहाँ पर कवि जो है सरस्वती से वीणा बजाने की प्रार्थना कर रहे हैं, प्रकृति सौंदर्य को देखकर, और सरस्वती जी से वीणा की मधुर झंकृत करने का आवाहन यहाँ पर कवि द्वारा किया गया है। ठीक है, निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। निनादय मतलब गुंजन करो, नवीन वाणी में वीणा। तो यहाँ पे सरस्वती, माता सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि आप अपनी वीणा को नवीन गुंजन के साथ झंकृत करें, नवीन गुंजन के साथ आपकी वीणा की वाणी को गुंजायमान कीजिए। क्योंकि वास्तव में यह जो पाठ है, यह पाठ जो है बच्चों, भारत की स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में, स्वतंत्रता आंदोलन जब हो रहे थे उस समय लिखा गया था। तो यहाँ पर नवीन वीणा और नवीन झंकार से मतलब यह है कि ऐसी झंकार की जाए कि भारत में सोए हुए लोग, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जागृत नहीं है, ऐसे लोग भी जागृत हो जाए और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना सहयोग करें। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। ललित मतलब सुंदर, नीति से पूर्ण कोमल गायन किया जाए। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। अब यहाँ पे बताया गया मधुर मंजरी, मंजरी मतलब होता आम के फूल है ना, आम के पुष्प, आम्र पुष्प। पिंजरी पीले, भूतमाला तो पेड़ों की माला यहाँ पे है ना, पेड़ों की माला। तो आम पीले पेड़ों की माला पर आम के सुंदर पुष्प लगे हुए हैं। वसंते लसंतिह सरसा रसाला, और उसके कारण आम के जो पेड़ है वह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। कलापा ललित कोकिला काकलीनाम निनादय। तो कलापा मतलब समूह है, ललित कोकिला सुंदर कोयल का जो स्वर है, काकलीनाम मतलब कोयल की जो कूक है उनका जो स्वर है, निनादय गुंजायमान हो रहा है। तो इसके पहले यहाँ बताया गया था कि पीले जो आम के पेड़ जो पीले दिखाई दे रहे हैं उन पर आम के पुष्प सुंदर से लग रहे हैं, है ना। और उसके ऊपर जो है कोयल जो है मधुर कोयलों का समूह जो है मधुर स्वर में गायन कर रहा है, मतलब कोयल वहां कूक रही है। ये पहले पद का अर्थ था बच्चों। अब जो दूसरा पद है, वहती मंद मंदम सनीरे समीरे। तो वहती बहती है मंद मंद धीरे धीरे, समीरे मतलब हवा, तो हवा जो है सनीरे मतलब जल से पूर्ण। ठीक है, जल से पूर्ण हवा मंद मंद मतलब धीरे धीरे बह रही है, जल से पूर्ण हवा धीरे धीरे बह रही है। कलिंदात्मजाय जायास वानी रतीरे। तो कलिंदात्मजाया यमुना को कहा गया है ना, यमुना नदी को कहा गया है। तो यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे उसके तट पर नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवी नाम। तो झुकी हुई लताए है ना, बांस की झुकी हुई लताए वहां पर शोभायमान हो रही है। तो यहाँ पर यमुना नदी के तट की बात की गई है कि यमुना नदी का जो किनारा था, तट था, वहां पर जल से पूर्ण धीरे धीरे हवा बह रही है और उसके आसपास जो भी लताएं हैं
वो झुकी हुई है, यमुना नदी के तट पर झुकी हुई है, बहुत शोभायमान हो रही है। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, पादपे मतलब पेड़ों के, फूलों के, पुष्प पुंजे मतलब फूलों के गुच्छे, ललित सुंदर और पल्लवे मतलब पत्ते। तो पेड़ों पर सुंदर पत्ते लगे हुए हैं, उन पर फूलों के गुच्छे शोभायमान हैं। मलय मारुते चुंबिते मंजू कुंजे, और ऐसा लग रहा है जैसे चंदन के, मलय मारु तो मतलब चंदन के सुगंध से युक्त हवा उनको छूकर यहाँ पर लताओं के समूह पर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर पेड़ जो हैं फूलों के गुच्छों से लदे हुए हैं, सुंदर पत्ते लगे हुए हैं, और वहां जो खुशबू आ रही है, जो हवा आ रही है, वो ऐसा लग रहा है कि चंदन के वृक्ष से सुगंधित वायु वहां पर है। स्वनंतिम प्रेक्षम मलिनामलिनाम निनादय। तो यहाँ पे मलिनाम अलिनाम, यहाँ पे अलिनाम अर्थ हो रहा बच्चों, अली मतलब भोरे, भोरे इन सारी स्थिति को, इस दृश्य को देखकर, भोरे जो है इन दृश्यों को देखकर गुंजायमान कर रहे हैं, अपनी ध्वनि कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सुंदर पत्तों वाले पेड़ हैं जिसमें फूलों के गुच्छे लगे हुए हैं, वहां पर जो चंदन के वृक्षों की खुशबू से युक्त लताओं में हवा, लताओं में जो है खुशबू आ रही है, और इन सबको देखकर वहां पर भोरे गुंजायमान हो रहे हैं। अब यहाँ अगली पंक्ति में बताया गया बच्चों, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, लताओं पर जो शांत फूल खिले हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर ये प्रार्थना हो रही थी, माँ शारदा से प्रार्थना की जा रही थी कि आप ऐसी वीणा का गुंजायमान करो जिससे कि लताओं के जो शांत सुमन है, शांत जो फूल लगे हुए, वह भी हिल उठे। चले दुच्छ लेत कांत सलिलम सलिलम, और जो जल बह रहा है वह भी उछल पड़े, है ना, उछल पड़े, वह जो जल बह रहा है वह भी उछल पड़े, खेलकूद खेल करने लगे, मतलब क्रीड़ा करने लगे। तवाकर्ण्य वीणा मदिनाम नदीनाम, इस तरह की वीणा का गुंजायमान करो माँ शारदा, जिससे कि जो शांत लोग बैठे हैं वो भी हिल उठे, और देश की स्वतंत्रता में और स्वतंत्रता आंदोलन में सभी लोग अपना योगदान देने लगे। तो यहाँ पर यह अर्थ बन रहा है बच्चों, और यह जो पाठ था भारतीय वसंत गीति, भारत देश के लिए लिखा गया था भारतीय वसंत गीति। तो यहाँ पर माँ शारदा से प्रार्थना की गई है, इस पाठ में माँ शारदा से प्रार्थना की गई है, और यह पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, है ना, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जो कि आधुनिक संस्कृत के कवि है बच्चों, आधुनिक संस्कृत के कवि, और इनके काकली नामक गीत संग्रह से संग्रहित है ये, ठीक है, ये गीत जो है काकली नामक गीत संग्रह से संग्रहित है, और इसके जो कवि है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री है बच्चों, आपको ये याद रखना है।